Good morning children. Today I will start the chapter number 3 of Political Science of Class 6 that is Concept of Government. Look at this picture carefully. Which building is shown in the top left picture? Top left side mein, jo building the gayi hai, wo hai Parliament House. Which activity is shown on the टॉप राइट पिक्चर टॉप राइट पिक्चर पर लोग वोट करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं वॉट डज द पिक्चर ऑन द बॉटम लेफ्ट रिप्रेजेंट जो पिक्चर बॉटम लेफ्ट पे रिप्रेजेंट की गई है वो जस्टिस या इंसाफ के लिए है वॉट इज हैपनिंग इन द पिक्चर ऑन द बॉटम राइट और बॉटम जो राइट right साइड पर है उसमें अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पीस जो आर्मी है वो फ्लैग मार्च कर रही है दिस पिक्चर को इज गिव यू एन आइडिया ऑफ वाट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम लुक लाइक इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है गर्नमेंट मीनिंग एंड नीड गवर्नमेंट का मतलब क्या है और उसकी जरूरत क्या है ह्यूमन बीइंग लिव एज हंटर गैदर इन एंशन टाइम्स लाइफ वॉज सिंपल एंड नीड्स व फ्यू पुराने जमाने में लोग हंटर और गैदर की तरह रहते थे उनका जीवन सिंपल था सादा था और ज़रूरतें भी कम थी फूड एंड थिंग्स टू कवर आवर बॉडीज दे व अवेलेबल इन प्लेंटी एंड नेचुरली उन्हें ज़्यादातर ज़रूरत थी खाने की और अपनी बॉडी को कवर करने की वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिल जाती थी जो प्रकृति से ही मिलती थी हवा हवा व एज कल्टिवेशन बिगेन एंड सेटलमेंट ग्रे जैसे जैसे फिर खेती बाड़ी करना शुरू करी और लोगों ने अपने रहने के घर भी बना लिए देर नीड इंक्रीजेस और तब से उनकी ज़रूरतें बढ़ना शुरू हो गई लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड द नीड फॉर एन ऑर्गनाइज सिस्टम वॉज फेल्ट अब लाइफ थोड़ी जितनी सिंपल थी उतनी नहीं रही अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गई इसीलिए एक संस्था की ज़रूरत पड़ी जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए नॉर्मली अर्ली सोसाइटीज़ चूज़ अ लीडर और एन अथॉरिटी

जिससे लोग आसानी से रह सकें और सुरक्षित भी रह सकें अर्लियर किंग रूल्ड ओवर टेरिटरीज बट टुडे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम आर इन प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पहले तो राजा राज किया करते थे अपने साम्राज्यों पर लेकिन अब अलग तरह की गवर्नमेंट सिस्टम आ गया है अलग-अलग कंट्रीज -अलग में द गवर्नमेंट इज आइदर एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर ऑफ अ कंट्री और स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स की भी हो सकती है जिनको ज़िम्मेदारी दी जाती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने की पूरे कंट्री को या स्टेट को एवरी कंट्री नीड्स सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन एडमिनिस्ट्रेशन हर कंट्री को किसी किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए दैट हेल्प द सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली एंड प्रोग्रेसिवली जिससे समाज आसानी से चल सकता है और उसमें प्रगति भी हो सकती है द गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड सिटीजन अ फ्रेमवर्क इन विच दे कैन लिव एंड वर्क टू अचीव दे कॉमन गोल्स गवर्नेंस सिस्टम से एक नागरिक को फ्रेमवर्क मिल जाता है जिससे वो आराम से रह सकता है और अपनी पूरी कॉमन ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है ए गवर्नमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिप्रजेंट द नीड एंड एस्परेशन ऑफ द पीपल गवर्नमेंट ज़रूरी होती है लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट पूरे लोग तो एक साथ पहुंच नहीं सकते इसलिए अपने चुने हुए लोगों को ही वहां पहुंचाते हैं और लोगों की जो सोच या जरूरत होती है वो लोगों की वहां पहुंच जाती है एंड टू रिजॉल्व देर प्रॉब्लम और इससे उनकी परेश प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं Without an effective governance system, chaos, confusions and disorder can prevail in the country. agar country mein effective government से नहीं होगी, तो सारे काम भी disturbed होते हैं, confusion भी होता है और का, और disorder country में फैल जाता है. government

जरूरी फंक्शन दीज आर फंक्शन दैट एनी गोर्मेंट हैज़ टू नेली फर्फॉर्म ये वो फं ये काम जो हैं ये हर गवर्नमेंट को ज़रूरी करने पड़ते हैं प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट सबसे पहले तो सिटीजन को गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान करती है जो बाहरी या अंदरूनी ख़तरों से मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री कानून और व्यवस्था देश में बनाए रखती है प्रोवाइडिंग रिलीफ मेजर टू पीपल एफेक्ट बाय नेचुरल डिजास्टर लोगों को जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो लोगों को सुनिश्चित करती है उन्हें रिलीफ मेजर्स देती है इंश्योरिंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन द कंट्री और जो पूरी कंट्री में जो डेवलपमेंट या प्रगति हो रही है उसको भी देखते हैं सुनिश्चित करते हैं एडिशनल फंक्शन एडिशनल फंक्शन वो फंक्शन जो साथ में और जुड़ जाते हैं मैनेजिंग रिसो, द रि, रिसोर्स ऑफ द कंट्री इन ए वे दैट दीज आर डिस्टर्ब फेयरली अमंग पीपल ऑफ़ ऑल रीजन्स उन्हें पूरी कंट्री में पूोर्स को देखना होता है जो इधर उधर पूरे रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ द पीपुल बाय बिल्डिंग रोड्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स एंड प्रोवाइडिंग मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन उन्हें पब लोगों की भलाई के लिए रोड्स बनानी होती हैं स्कूल्स हॉस्पिटल और उन्हें आने जाने का साधन प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाता है जैसे ट्रेन्स, बस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी मेंटेन करते हैं मेंटेनिंग फ्रेंडली फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज और दूसरे देशों के साथ भी दोस्ती और शांत दोस्ती और शांति क्या सद्भाव बनाए रखना पड़ता है government एंड इट्स ऑर्गन्स government परफॉर्म इट्स फंक्शन with थ्री मेन ऑर्गन the legislature the executive एंड the judiciary the legislature is the लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ the government government जो काम करती है वो थ्री मेन ऑर्गन के द्वारा ही करती है फर्स्ट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेजिसलेचर लॉ कानून बनाने वाला ऑर्गन है गवर्नमेंट का इट मेक्स लॉ टू मेंटेन ऑर्डर एंड कंट्रोल पीपल कंडक्ट लेजिस्लेचर कानून बनाता है जिससे कानून से व्यवस्था बनी रहती है और लोगों के चरित्र एंड टू फिलफुल द जनरल नीड ऑफ द सिटीज़न और नागरिक की ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करती है द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच दैट इंश्योर द लॉज आर ओबेड एंड enforced एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है जो सुनिश्चित करती है कि कानून को लागू कानून को लागू कराती है और लोगों से उसको मनवाती भी है द जुडिशरी इज द ऑर्गन विच इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फंक्शन इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कानून गवर्नमेंट उन्हीं उन्हीं कानूनों पर फंक्शन कर रही है जो संविधान में उनको दिए गए हैं एंड प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अनजस्ट रूल और लोगों को के खिलाफ नाइंसाफी नहीं हो रही है द जुडिशरी फंक्शन थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट जुडिशरी अपना काम कोर्ट के द्वारा ही करती है गवर्नमेंट इट्स लेवल इन इंडिया एवरी कंट्री हैज़ ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉर्मेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन इट्साइज़ हर कंट्री में अलग तरह की गॉर्मेंट होती है उसका अलग स्ट्रक्चर ढांचा होता है जो कंट्री के साइज़ पर निर्भर करता है स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन उसकी पॉपुलेशन के आधार पर ही होती है गवर्नमेंट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हैविंग 28 स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज। इंडिया भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और एट यूनियन टेरिटरीज हैं अब कंट्री गवर्न गवर्नेंस सिस्टम वर्क एट थ्री लेवल हमारे कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम तीन लेवल पर वर्क करता है द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर्क फ्रॉम न्यू डेली यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में ही दिल्ली से वर्क करती है इट इज़ द दाइस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड फंक्शन एट द नेशनल लेवल ये सबसे बड़ा लेवल होता है गवर्नमेंट का और ये पूरे देश के लिए काम करती है इट मेक लॉ एंड टेक डिसीजन फॉर इंटायर कंट्री वो कानून बनाती है और डिसीजन लेती है पूरी देश के लिए द स्टेट गवर्नमेंट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दैट फंक्शन इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट अगला लेवल होता है गवर्नमेंट का जो हर स्टेट में काम करता है भारत के इट मेक स्टेट लॉज एंड इन्फोर्स दैम विद इन द कंसर्न स्टेट वो कानून बनाता है स्टेट के लिए और लागू कराता है उसी स्टेट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस विच वर्क एट द लोकल लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीसरा लेवल होता है गवर्नमेंट का जो लोकल एरियाज में काम करता है देर आर टू टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी दो तरह की होती हैं वन एट द अर्बन जो सिटी और टाउन्स में होती हैं एंड द सेकेंड इन द रूरल और विलेज लेवल दूसरी विलेज लेवल के ऊपर होती है जिसको रूरल भी कहा जाता है गवर्नमेंट एंड इट्स टाइप डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन इन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग तरह की गवर्नमेंट फंक्शन करती हैं अलग अलग कंट्रीज में मोनार्की, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप आर द मेन वंस इन एग्जिस्टेंस टुडे। मोनार्की डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप आजकल दिख, अब दिखाई देती हैं मोनार्की इन द दिनें मोनार्की द कंट्री इज रूल्ड बाय ए मोनार्क हु इज अ अरिडेट्री रूलर मोनार्की में कंट्री एक राजा के राज में होती है जो हेरीडेट्री रूलर होता है आई द किंग और अ क्वीन या तो वो राजा होगा या रानी मोनार्कीज और किंगडम एग्जिस्टेड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज मोनार्कीज इंडिया में बहुत टाइम तक रही है मोनार्की स्टिल इन सर्टेन सच है सऊदी अरेबिया ब्राई एंड जॉर्डन मोनार्की अब भी एग्जिस्ट करती है वो कुछ ही कंट्रीज़ में है जैसे सऊदी अरेबिया बर्नाई और जॉर्डन में डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रेजेंट टाइम डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा पॉपुलर और सफल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है आजकल के समय में डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू अलेक्शन डेमोक्रेटिव सिस्टम में लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एलेक्शन द्वारा हु फॉर्म्स द गर्मेंट जो गमेंट बनाते हैं हैज़ द रियल पावर लाइज विद द पीपल हु अलेक्ट देअर ओन लीडर रियल पावर तो लोगों के हाथ में ही होती है जो अपना नेता खुद चुनते हैं सम ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज टुडे आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आज तक कल हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया हैं डिक्टेटरशिप ए सिंगल पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल द कंट्री डि डिकेटरशिप में या तो सिंगल पर्सन रूल करता है या ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता है नो अलेक्शन आर हेल्ड एंड द पीपल डू नॉट हैव टू से इन द फ्क्शनिंग ऑफ द गोमेंट उसमें अलेक्शन भी नहीं होते और किसी तरह का कोई दखल लोगों का गोर्मेंट के फंक्शनिंग में नहीं होता द डटेटर्स विल एंड वर्ड इज द लॉ जो डिक्टेटर चाहता है वही कानून बनता है एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रो कंट्रोल ओवर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस उसी का पूरा कंट्रोल होता है जो भी जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के इन द पास एडोल्फ हिटलर वाज़ द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी पास्ट में बहुत हिटलर जो था वो डिक्टेटर था जर्मनी का टुडे सम कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया आर रूल बाय डिक्टेटर लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज़ रूल करती हैं डिक्टेटर्स द्वारा वह हैं नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ इट्स सिटीज एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे संविधा हमारे संविधान ने उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है एवरी एडल्ट अब द एज ऑफ 18 इयर्स हैज़ ए राइट टू कास्ट हिज और हर वोट इन एन इलेक्शन कोई भी जो एडल्ट 18 साल से ऊपर है उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है इलेक्शन आर हेल्ड एवरी फाइव इयर्स एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इलेक्शन हर पाँच साल बाद होते हैं दोनों लेवल्स पर होते हैं सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल वेयर पीपल वोट टू चूज देयर हु फॉर्म द गवर्नमेंट जहां लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जिस जो गवर्नमेंट बनाते हैं इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अगर लोग गवर्नमेंट के काम से ख़ुश नहीं होते या सेट्सफाइड नहीं होते दे कैन रिमूव इट फ्रॉम पावर आफ्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शन अगले इलेक्शन में वो उनको हटा देते हैं दस डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट रिमेन आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर इट सेक्शन डेमोक्रेसी में सुनिश्चित किया गया है गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी काम करेंगे उन्हें लोगों को बताना पड़ेगा द सफराजेट मूवमेंट सफराजेट मूवमेंट मीन्स राइट टू वोट इन एन election सफ टुडे सफरेज इज़ अ राइट टेकन फॉर ग्रांटेड बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो सफरेज अब हमें हम एक अपना राइट है जो हमें ग्रांटेड है हमें मिलना चाहिए लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन वॉट नॉट अलाउड टू वोट वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं था इट वॉज थाट दैट वुमेन वर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन्स वुमेन्स सही डिसीजन लेने की कैपेबल नहीं है वो सही डिसीजन ले नहीं सकती वुमेन व सपोज टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली वूमेन को ये माना जाता था कि वो घर पे ही रहे और फैमिली की केयर करे मैन क्लेम दैट वुमेन हु टूक पार्ट इन पॉलिटिक्स वुड बिकम अनफेमिनाइन एंड डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द हाउस बाई आर्ग्यूइंग मैन ये क्लेम करते थे जो वुमेन राजनीति में आ जाएगी वो अनफेमाइन हो जाएगी वो फिर बिल्कुल घरेलू नहीं रहेगी और घर का घर की शांति भी भंग हो जाएगी बाय आर्ग्यूइंग वो आपस में बहस करना सीख जाएगी दे दीज आर स्टीरियोटाइप्स विच यूज टू अप्रेस वुमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम ये सोच जो थी बहुत टाइम से औरत को इसी तरह से अपने आप दबाए हुए थी दफ्रागेट मोमेंट वॉज द नेम गिवेन टू द स्ट्रगल टेकन बाय वूमेन सफ्रागेट मोमेंट नाम दिया गया था उस मोमेंट को उस जो औरत ने संघर्ष करना शुरू किया था डिमांडिंग द राइट टू वोट जिसमें उसने वोट डालने का अधिकार मांगा था इट गेट इट नेम फ्रॉम द वर्ड सफरेज उसका नाम सफरेज से दिया गया था विच मीन्स नो विच मीन्स टू वोट जिसका मतलब होता है वोट देना दिस मूवमेंट वो स्टार्टेड वेटी इन 1848 इन यूएसए ये मोमेंट स्टार्ट हुआ था 1848 में यूएसए में द फाइट फॉर सफरेज फॉर द वूमेंस स्टार्ट टू स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज टू यूरोप अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया अब धीरे धीरे ये सफरेज का मोमेंट आगे बढ़ना शुरू हो गया ये और कंट्रीज में भी फैल गया जैसे यूरोप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इन नाइनटीन हंड्रेड एंड टू ऑस्ट्रेलिया एंड इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी द यू एस ए अलाउड द वुमेन टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम नाइन्टीन हंड्रेड टू में ऑस्ट्रेलिया में और नाइन्टीन हंड्रेड ट्वेंटी में यू एस ए में अलाउ कर दिया गया था वोट डालने के लिए फर्स्ट इन ब्रिटेन वेयर द मूमेंट गैदर स्ट्रेंथ टूअर द एंड ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी ब्रिटेन में इस मूवमेंट में और ज़्यादा ताकत बढ़ने लगा शुरू हो गया बढ़ना शुरू हो गया था नाइनटीन सेंचुरी के एंड में और पढ़ी लिखी वूमेंस को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था नाइन्टीन एटीन में जो थर्टी ईयर्स से ऊपर थी इंडिया में एडल्ट फ्रेंचाइज जो अडॉप्ट किया गया था वो आज़ादी के टाइम पर किया गया था सो वुमेन हैज़ राइट टू वोट फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन और वुमेन को राइट right देने का अधिकार पहले ही इलेक्शन में दे दिया गया था 1952 में ऑल सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18, 18 इयर्स से ऊपर के जो भी थे उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया था एंटी एपेथाइड मोमेंट इन वाइट रूल साउथ अफ्रीका बिटवीन द ईयर 1948 एंड 1994। जो ये स्ट्रगल जो चल रहा था गोरे और कालों के बीच में जो साउथ अफ्रीका में था जब वाइट राज करते थे साउथ अफ्रीका में वो चला नाइनटीन से 1994 तक द नॉन वाइट्स पीपल वर नॉट अलाउड टू लिव इन द ए एरिया अकोपाइड द वाइट पीपल जहाँ वाइट या गोरे लोग रहते थे वहाँ पे इनको ब्लैक्स को अलाउ नहीं करते थे दे हैड सेपरेट स्कूल एंड सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज़ उन्हें अलग अलग उनके स्कूल भी अलग थे और पब्लिक फैसिलिटीज़ भी अलग थी वर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स उनको उन्हें ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए जाते थे और पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जाते थे वर ट्रीटेड एज़ अनटचल्स इन देयर ओन लैंड बाय द वाइट्स वो अपने ही एरिया में अपने ही ज़मीन पर अछूतों की तरह माने जाते थे वाइट्स उनको बिल्कुल अछूतों की तरह समझते थे दिस पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक बाय द वाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका केम टू द केम टू बी कॉल्ड एपथाइड जो ये डिस्क्रिमिनेशन गोरे और कालों के बीच में होता था उसे अपेथाइड कहा जाता था एपैथाइड मीन्स अपार्टनेस इन african language apartness means alag locate south africa in an atlas the anti-apartheid movement was launched by the blacks of south africa to fight against this discrimination anti-apartheid movement launched the blacks Dwara. जो साउथ अफ्रीका के थे जो लड़, इस भेदभाव के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहते थे दिस मोमेंट वॉज लेड बाय नेल्सन मंडेला ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये मोमेंट शुरू किया गया था नेल्सन मंडेला द्वारा जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थे मंडेला वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर ट्वेंटी सेवन ईयर्स ऑफ बाय द साउथ एफ्रीकन गवर्नमेंट फॉर फॉर लीडिंग द एंटी अपेथाइड मोमेंट नैलसन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था सत्ताईस ट्वेंटी सेवन ईयर्स के लिए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट द्वारा क्यों इसलिए कि वो एंटी अपेथाइड मोमेंट को लीड कर रहे थे द ब्लैक फाइनली गॉड द फ्रीडम एंड द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन नाइन्टीन नाइन्टी फोर ब्लैक्स को फाइनली आज़ादी का राइट दे दिया गया था जिससे वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते थे नाइनटीन नाइन्टी फोर में द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका वोटेड फ्रीली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन ऑफ नाइनटीन नाइन्टी फोर ब्लैक्स ने पहली बार फ्रीली जो वोट किया था वो 1994 के इलेक्शन में किया इलेक्शन वाज वन बाय नेल्सन मंडेला और इलेक्शन नेल्सन मंडेला ने जीत लिया था ही फॉर्म द फर्स्ट मिक्स रेस गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वे द ब्लैक्स एंड वाइट्स हैव इक्वल राइट्स अंडर द लॉ जिसमें ब्लैक्स और वाइट्स को बराबर के के अधिकार दिए गए थे कानून के द्वारा द टू मोमेंट्स द सफ्रागेट मोमेंट एंड एंटी अपेथाइड मोमेंट वर इम्पॉर्टेंट इवेंट विच हेल्प इन स्प्रेडिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये दो मोमेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रिंसिपल जो अडल्ट फ्रेंचाइज का मिला वो इन्हीं के द्वारा मिला एंड आप होल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिमोक्रेसी और डिमोक्रेसी के प्रिंसिपल को भी इसी के द्वारा माना गया डेमोक्रेसी इट्स इम्पॉर्टेंस एवरी कंट्री नीड ए गवर्नेंस सिस्टम टू फंक्शन एफेक् एफिशेंटली टू प्रोग्रेस एंड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल हर कंट्री में गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि आसानी से काम हो सके जिस जिससे प्रगति भी हो और जिससे सुनिश्चित किया जा सके लो, जो लोग देश में रह रहे हैं उनको सुरक्षा दी जा सके देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टूडे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट आज वर्ल्ड में दिखाई देती हैं बट डेमोक्रेसी विच इज़ हेल्ड एज पीपल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को लोगों की गवर्नमेंट कहा जाता है इस कंसिडर्ड द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये सबसे सूटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है बिकॉज इट रिप्रेजेंट एंड एड्रेस द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री ये लोगों के को रिप्रेजेंट भी करते हैं और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करवाते हैं वाइल द पीपल नीड गवर्नेंस ऑफ दे ओन गुड दे मस्ट हैवर राइट टू हैव अव से हाओ दे विश टू बी गवर्न लेकिन लोग अपनी मर्जी के ही कानून बनवाना चाहते हैं उन्हें अधिकार होता है कि जैसे वो चाहते हैं उसी तरह उन्हें गवर्न किया जाए एंड हाउ देयर लीडर आउट टू बी और उनके नेता कैसे होने चाहिए आवर फ्रीडम फाइटर ड्रीम टॉफ़ गिविंग इंडिया एंड इस पीपल दिस राइट ये सपना था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कि लोगों को ये अधिकार दे सके दे सक्रीफाइज ए लॉट टू अपटेन द राइट ये अधिकार पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं वी इंजॉय टूडे अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम अब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंजॉय कर रहे हैं दिस चैप्टर इज ओवर रीड